हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज सलोल कैन बी यूज्ड एज एंड द ऑप्शंस आर फर्स्ट ऑप्शन इज एंटीसेप्टिक, सेकंड ऑप्शन इज एंटीपायरेटिक, थर्ड ऑप्शन इज एनाल्जेसिक एंड फोर्थ ऑप्शन इज डिसइंफेक्टेंट. सो हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि जो सलोल है हम इसको किस तरीके से यूज करते हैं. सो की कॉन्सेप्ट इन दिस क्वेश्चन इज की कॉन्सेप्ट इज एंटीसेप्टिक्स. एंटी सेप्टिक्स, अब एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं? हम एंटीसेप्टिक्स को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं दैट दीज आर दी सब्सटेंसेस यूज्ड टू किल और प्रिवेंट, यूज्ड टू किल और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए या किल करने के लिए जो हम सब्सटेंसेस यूज करते हैं उन्हें हम एंटीसेप्टिक्स कहते हैं. एंड दीज आर यूज ऑन लिविंग टिश्यूज, ऑन लिविंग टिश्यूज. सेम हमारा डिसइंफेक्टेंट होता है. डिसइंफेक्टेंट भी हम किल करने के लिए या फिर प्रिवेंट करने के लिए करते हैं यूज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को, बट डिसइंफेक्टेड हम यूज करते हैं नॉन लिविंग टिश्यूज पे, और एंटीसेप्टिक्स हम लिविंग टिश्यूज पे यूज करते हैं. अब सेलॉल जो है, सेलॉल का एक और नेम होता है, सेलॉल इज ऑल्सो नोन एज, सेलॉल इज ऑल्सो नोन एज फिनाइल सेलिसिलेट. हम इसे फिनाइल सेलिसिलेट के नेम से भी जानते हैं, सेलिसिलेट. अब ये बनता कैसे है? अगर हम फिनॉल और सेलिसिलिक एसिड की रिएक्शन कराएंगे, ये है हमारे पास फिनॉल, दिस इज फिनॉल, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम सेलिसिलिक एसिड के साथ. सेलिसिलिक एसिड हो गया हमारा ये OH एंड दिस इज COOH, दिस इज सेलिसिलिक एसिड. जब इन दोनों की हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें सेलॉल मिलता है जिसे हम फिनाइल सेलिसिलेट बोलते हैं. तो अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं सेलॉल का, सो सेलॉल इज दिस ओ एच सी डबल बॉन्ड ओ देन ओ देन दिस बेंजीन रिंग. सो दिस इज सेलॉल, ये सेलॉल का स्ट्रक्चर है. अब इसको हम सेलॉल को कैसे कैसे यूज करते हैं? दिस सेलॉल इसे हम सनस्क्रीन्स में यूज करते हैं, एडहेसिव्स में, पॉलिशेज में, बट मेनली इट इज यूज एज एन एंटीसेप्टिक. मेन यूज क्या है इसका? मेन यूज इज एंटी सेप्टिक, इसे हम एंटीसेप्टिक की तरह यूज करते हैं. तो अगर हम ऑप्शंस देखें, पहला ऑप्शन है एंटीसेप्टिक, सेकंड ऑप्शन एंटीपायरेटिक. एंटीपायरेटिक तो वो ड्रग्स होती हैं जिनसे हम फीवर को कम करते हैं. एंटीपायरेटिक आर दी ड्रग्स दैट ब्रिंग्स डाउन फीवर, ब्रिंग्स डाउन फीवर, फीवर कम करती हैं. एनल्जेसिक्स जो होती हैं पेन रिलीफ करती हैं, रिलीव्स पेन, पेन रिड्यूस करने के लिए हम एनल्जेसिक्स लेते हैं. एंड डिसइंफेक्टेंट सेम एंटीसेप्टिक्स की तरह होती है, बट ये क्या करते हैं हम नॉन लिविंग टिश्यूज पे यूज करते हैं. सो इससे हम क्या बोल सकते हैं? द फाइनल आंसर इज एंटीसेप्टिक. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.